बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी रहें सदा खुश रहें, आबाद रहें। अच्छा जी, आज हम बनाने जा रहे हैं लजीज़ा खीर। चलें चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ये देखें, मैंने 4 लीटर दूध लिया है और मैंने इसको चूल्हे पर रख दिया है। 20 मिनट दूध को गर्म होने दें और उसके बाद 20 मिनट के बाद ये मैंने लजीज़ा खीर का डब्बा इसमें मिक्स कर दिया। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसको हल्की आंच पे पकने दें और उसके बाद मैंने एक प्याली चावल लिए हैं, थोड़े से वो मैंने ग्राइंड कर लिए, बारीक पीस लिया। इनको अच्छे तरीके से पीस लें और इसमें पानी ऐड कर दें थोड़ा सा, क्योंकि खुशक चावल अगर दूध में डालेंगे तो वो उसका जो है ना गुटलियाँ बन जाएंगी, तो इस वजह से थोड़ा सा पानी मिक्स करके इनको अच्छे तरीके से मिक्स करके तो फिर मैं अब मैं दूध में ऐड करूँगी इसको। देखिए, अब मैं इसको दूध में ऐड कर रही हूँ चावलों को भी। अब इसको मीडियम फ्लेम पे ना इसको पकने दें अच्छे तरीके से, थोड़ी थोड़ी देर बाद इसको हिलाते रहें, क्योंकि अगर ये नीचे लग जाए तो फिर इसका टेस्ट अच्छा नहीं रहता, तो मज़ा नहीं आता खाने में भी। ये देखें, हमारा दूध काफ़ी ज़्यादा खुशक हो गया और हमारी खीर जो है पक के तैयार हो रही है। माशाल्लाह से माशाल्लाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी पक रही है। ये मैंने कुटे हुए बादाम लिए हैं और थोड़ी सी गरी ली है। आपके घर में अगर पसंद करते हैं तो आप डालें, अगर नहीं करते तो आप स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑप्शनल है। हमारे घर में तो पसंद करते हैं। और ये देखें, अब मैं इसको भी मिक्स कर लूँगी। इसमें मैंने थोड़ी सी चीनी ऐड की है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ये चीनी आप ऐड करें। अच्छा जी, ये देखें हमारी खीर ठंडी हो गई है। मैंने इसको बाउल में निकाल ली है, शीशे के बाउल में, प्यारे से बाउल में मैंने निकाल ली है। अब मैं इसकी गार्निश करूँगी। हमारे घर में तो गार्निश पसंद करते हैं, आपके घर में करते हैं तो आप कीजिएगा, नहीं तो रहने दीजिएगा। ये देखें ठंडी हो गई खीर, मैंने इसमें गरी क्रश करके रखी हुई थी वो मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ। अच्छा जी, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल के बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसी लगी मेरी वीडियो। आपकी दुआएं चाहिए, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। चलें जी, ये देखिए, अब मैंने इसके ऊपर किशमिश डाल दी है। ओके, अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रख।